इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर फाइल को, इमेज को या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम कैसे डीबी में सेव कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये जान रखा था उसके लिए कोडिंग है। जो हमने फाइल अपलोड किया उसको हम कैसे अब डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, कि कैसे एक फाइल जो हम अपलोड कर दी उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। वो डॉक्यूमेंट हो या कोई इमेज हो, उसको अपने को डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने सर्विस में में और यहां से इसकी कोडिंग को लिखते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट सर्विस क्लास को ओपन कर लिया। यहां से इस मेथड के नीचे आते हैं जो कि हमारा सेव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसके नीचे आकर उसकी हम कोडिंग लिखेंगे जहां से हम फाइल को बेसिकली सेव कराएंगे, आई मीन फाइल को डाउनलोड कराएंगे। तो इसके लिए मेथड लिखते हैं। तो हमारा मेथड रहेगा कुछ इस तरीके से, पब्लिक, और यहां से हम यूज करेंगे ऑप्शनल क्लास को, बेसिकली यूज करेंगे ऑप्शनल को। ओके, ये हमारा ऑप्शन है जो कि जावा डॉट यूटिल्स आएगा, और इसके अंदर हम बेसिकली डॉक्यूमेंट को हम पास कर देंगे। डॉक्यूमेंट जो हमारा एंट्री था उसको हम पास कर देंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे गेट डॉक करके हम सिंपली दे देंगे, और इसके अंदर जो हम रहेगा फाइल हो जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको हम आईडी पास कर देंगे। यहाँ से आईडी ले लिया, और आईडी हमारा किस टाइप का यहाँ पर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग टाइप का, इसलिए यहाँ पर हमने लॉन्ग इसका आईडी रख दिया। बेस ऑन इसके आईडी पे हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लोड कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिटर्न, और जो हमने डॉक्यूमेंट सर्विस को यूज किया था रिपोजिटरी को, उसको हम सिंपली यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी मेथड को हम यूज करेंगे, और यहाँ से आईडी को हम सिंपली पास कर देंगे। तो बेस ऑन आईडी पे ये ऑब्जेक्ट लेकर अपने को सिंपली रिटर्न कर देगा। ओके, अब हम चलते हैं कंट्रोलर क्लास पे, जो कंट्रोलर क्लास का काम करेगा इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा। ओके, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ से हमारा कंट्रोलर क्लास है, इस सब को भी मैं मिनिमाइज करता हूँ, और होल स्क्रीन पे हम इसको पूरी कोडिंग को करते हैं। ओके, तो हमारा कंट्रोलर क्लास में यहाँ पर हम वो लॉजिक लिखेंगे जो हमारा एंड क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा ये क्लास कंट्रोलर क्लास एक्सेप्ट करेगा। देन एक कंट्रोलर क्या काम करेगा, सर्विस क्लास को कॉल करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले एक एनोटेशन लगाते हैं गेट मैपिंग का। तो यहाँ पर गेट मैपिंग देते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर हमारा क्लाइंट वो यहाँ पर इसको आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमारा रहेगा डाउनलोड स्लैश, और जो हमारा आईडी आएगा वो आईडी यहाँ जो पास रहेगा वो आईडी यहाँ पर रहेगा बेसिकली। ओके, तो ये पाथ वेरिएबल रहेगा। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे पब्लिक, और यहाँ से यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। तो ये हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगा, और ये यहाँ से रहेगा बेसिकली वाइट एरे करके इसको रिटर्न करेगा। देन यहाँ से हम लिखेंगे डाउनलोड डॉक बाय आईडी, इस हमने मेथड को ऐसे नेम दे दिया। और ये जो आएगा यहाँ से आईडी, इसको यहाँ अपने को कैच करना विद द हेल्प ऑफ पाथ वेरिएबल, ये पाथ वेरिएबल में रहेगा, और ये आईडी टाइप का ही बेसिकली हमारा रहेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉन्ग आईडी हमने दे दिया। ये वेरिएबल आपस में मैच करा, तो यहाँ पर पास करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर हम इसको पास नहीं किए। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से अपने सर्विस क्लास को कॉल करेंगे सबसे पहले। तो सर्विस क्लास को हम कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सर्विस है, तो हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉट गेट डॉक को यूज करेंगे। ओके, अब इसके अंदर अपने को आईडी पास करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो अपने को एक एक्सेप्शन भी थ्रो करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे और एल्स थ्रो, ये वाली मेथड को यूज करेंगे और एल्स थ्रो। देन यहाँ से एक लैम्डा एक्सप्रेशन को हम बेसिकली पास कर देंगे, तो ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन रहेगा, और यहाँ से हम पास कर देंगे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन को, सिंपली हम पास करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन को। तो रन टाइम एक्सेप्शन को यूज हमने कर लिया है यहाँ से। अब इसके अंदर हम एक मैसेज को पास कर देंगे जो बेसिकली क्या काम करेगा, अपने को शो कर दें। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डबल कोट, और यहाँ से दे देंगे एक काम करते हैं, इसको मल्टीपल लाइन में कर देते हैं, पहले इसको कोड लिखते हैं, इसको करते हैं मल्टीपल लाइन में, डॉक नॉट फाउंड विद आईडी। देन यहाँ से प्लस सिंबल यूज करेंगे, और यहाँ से आईडी पास कर देंगे, हमें कहेंगे भाई ये पर्टिकुलर आईडी बेसिस पे डॉक्यूमेंट फाइंड नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ऐसे करके अपने को यहाँ से इस चीज़ को अचीव करना है। कंट्रोल एस, इसको हम सेव करते हैं और हम वेट करते हैं। ओके, इसको मैं मल्टीपल लाइन करता हूँ, इसको प्रॉपर विजुअल है, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर कोडिंग कर दिया। देन इसको मैं एक लोकल वेरिएबल में स्टोर भी कराना पड़ेगा, तो कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, और उसको सिंपली नेम हम दे देते हैं एज ए डॉक, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट अपने को मिल गया। अब अपने को जो रिटर्न टाइप करना है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ वाइट एरे करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिटर्न, और यहाँ से यूज करेंगे बेसिकली रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर सिंपली पास डॉट ओके हमारा रहेगा,
देन यहाँ से हम यूज करेंगे डॉट, देन यहाँ पर कंटेंट टाइप पास करेंगे, कंटेंट का टाइप है कि किस टाइप का ये कंटेंट है, ये हम बेसिकली पास करेंगे। ओके तो यहाँ से हम यूज करेंगे बेसिकली मीडिया टाइप, मीडिया टाइप डॉट पार्स यूज करेंगे, पार्स मीडिया टाइप, पार्स मीडिया टाइप को यूज करेंगे। और इसके अंदर हम बेसिकली काम करेंगे डॉग, डॉग के अंदर हमने एक वेरिएबल टाइप किया था टाइप करके, तो यहाँ पर यूज करेंगे गेट टाइप, जिस टाइप का वो रहेगा वो यहाँ पर सिंपली वो दे देगा कि भाई इस टाइप का मैं डॉक्यूमेंट हूँ। ओके सिंपली देन इसके बाद अगर न्यू लाइन में आएंगे देन यहाँ पर हम यूज करेंगे हेडर को, हम बेसिकली यूज करेंगे हेडर को, हेडर के अंदर हम क्या यूज करेंगे HTTP हेडर को हम यूज करेंगे, हेडर्स रहेगा बेसिकली यहाँ पर हेडर्स। देन हम यूज करेंगे कंटेंट डिस्पोजिशन, तो ये हमारा कंटेंट डिस्पोजिशन हो गया। देन यहाँ से कॉलन, इसको यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और इसके जगह पे हम क्या पास करेंगे अटैचमेंट को पास कर देंगे, डबल कोट लिखेंगे अटैचमेंट। और यहाँ देखिए सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नॉ की कॉलन, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। ओके देन यहाँ पर एक स्पेस देना है, देन यहाँ पर यूज करना है फाइल नेम इस तरीके से। देन अपने को क्या काम करना है इक्वल लगाना है, एक इक्वल लगाना है। देन यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश को बेसिकली अपने को यूज करना है, बैकवर्ड स्लैश को। ओके और यहाँ से यूज करेंगे हम प्लस डॉक डॉट गेट फाइल नेम, बेसिकली यहाँ पर हम दे देंगे नेम। ओके तो इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल लगा दिया। ओके देन यहाँ पर जो हम इसको यहाँ पर ये बैकवर्ड से लेकर यहाँ पर एक और दे देते हैं, ये हो गया। ओके देन यहाँ पर हम इसके बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हम क्या काम करेंगे एक कोट लगाएंगे। ओके देन अगेन बैकवर्ड स्लैश देंगे और यहाँ से डबल कॉलन अगेन दे देंगे। देन हम यूज करेंगे डॉट गेट नेम, हमको यहाँ से हमने नेम पास कर दिया। ओके देन यहाँ से अगेन हम आएंगे और लिखेंगे डॉट बॉडी, देन यहाँ से हम यूज करेंगे डॉट बॉडी को बेसिकली हम यूज करेंगे, तो हमारा ये बॉडी कुछ इस तरीके से रहेगा। और बॉडी में क्या पास करेंगे वाइट एरिया अपने को बेसिकली पास करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉग डॉट गेट वाइट एरिया को यूज करना है बेसिकली, जो हमने फाइल दिया था उसको हम बेसिकली यूज करना है। तो इसमें सिंपली यूज करेंगे गेट डेटा करके, यहाँ पर कोई आ रहा है तो देखिए गेट डाटा यहाँ से नहीं दे रहा है बेसिकली, फाइल डॉट गेट डाटा। तो ये कंटेंट करके जो है ये हम कंटेंट बेसिकली पास कर देंगे, कंटेंट टाइप जो था वाइट एरे ही था हमारा, हमने इसको पास कर दिया। ओके कैन कंट्रोल ऐसे से सेव करते हैं। अब इसको हम क्या काम करते हैं, पहले मल्टीपल लाइन में कर देते हैं जिसकी प्रॉपर हर एक चीज़ अपने को विजिबल हो जाए कि आखिर हमने कोडिंग किस टाइप किया है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि हेडर पास कर, कंटेंट टाइम पास कर दिया, तो इसको भी मैं एक न्यू लाइन में करता हूँ कि चीज़ें प्रॉपर विजिबल रहे। देन यहाँ पर हम अटैचमेंट फाइल, और फाइल के बाद हमने सिंपली क्या किया कि यहाँ इक्वल लगा और फॉरवर्ड स्लैश कर दिए, देन यहाँ पर हमने डबल कोट्स कर दिए टू टाइम्स, देन यहाँ पर हम प्लस सिंबल को यूज कर लिए, देन यहाँ पर भी अपने को एक प्लस सिंबल को यूज करना पड़ेगा। ओके तो एक्सेप्शन चला जाएगा। देन यहाँ पर अपने को यूज करना है बॉडी, और इस बॉडी का बी जो रहेगा स्मॉल रहेगा बेसिकली। ओके तो इस तरीके से इस कोडिंग को हम करेंगे, तो ये हमारा होल कंटेंट क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा। डॉक्यूमेंट का जो टाइप था वो ऑलरेडी हम सेव करा रहे हैं कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, वहाँ से हम टाइप ले लेंगे। देन इसका कंटेंट डिस्पोजिशन दे दिए, जो भी उसका नेम रहेगा वो ऑलरेडी हम सेव करा, तो वहाँ से हमने नेम भी ले लिया। कंटेंट टाइप क्या हमारा ये वाइट एरे है, जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा तो कंटेंट टाइप देखिए वाइट एरे, तो डायरेक्टली हमने उस वाइट एरे को यहाँ से पास कर दिया। ओके तो ये हमारा होल मेन कोड था जो क्या काम करेगा हमारा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देगा। तो हम सबसे पहले आते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं। ओके यहाँ से सिंपली आते हैं राइट क्लिक करते हैं रन एज, सिंपली यूज करेंगे स्प्रिंग बूट पे, और यहाँ से हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर हमारा यहाँ से सक्सेसफुली ओपन करते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ से क्रोम ब्राउजर को भी ओपन कर लिए। सर्वर को स्टार्ट होने के लिए वेट करते हैं, और जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उस चीज़ को हम डाउनलोड कर चेक करेंगे क्या हमारा एज इट इज वर्क कर रहा है एक्सपेक्टेड और नहीं। ओके तो हमारा जो सर्वर स्टार्ट होगा किस पोर्ट नंबर पे होगा वी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चीज़ डिफाइन कर 909 पोर्ट नंबर पे हमारा स्टार्ट होगा, और कंट्रोलर के अंदर कैसे हमारा ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका मेथड लेवल पे क्लास लेवल पे हमने कुछ लगाए हैं पैरामीटर की नहीं लगाए हैं,
ओके तो मैं हमारा क्लास लेवल पर कुछ नहीं है, तो 909 रहेगा, डाउनलोड रहेगा /ID। ओके /ID रहेगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले आते हैं, चेक करते हैं कि हमारा इसका आईडी क्या, आईडी इसका 1 है। ओके तो इसी फाइल को अपने को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा IGTP वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे लोकल होस्ट 9090/down/1 और इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हम जैसे कि यहाँ से हमारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके यहाँ से दे दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस फाइल को देखिए मैं डाउनलोड कर, इसके अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट भी यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से फाइल हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। इसके अंदर जो भी कंटेंट था, इसी तरह उसको इमेज हो तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट उसका आईडी आपको पास करना और वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड, देखिए फाइल हमारा पर्टिकुलर डाउनलोड हो गया। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम DBC, चाहे वो इमेज हो कुछ भी हो। ओके तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए। और इसका होल कोडिंग था, ये कोडिंग आपको हमारे GitHub अकाउंट पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फेच कर सकते हैं।